देख सकते हैं आज अंडे का सब्जी बनाएंगे। पानी में उबालने के लिए रख रहा हूँ, देख सकते हैं एक एक अंडा, ताकि मेरा अंडा फूटे नहीं। अंडा को उबाला जाएगा। देख सकते हैं और दो चम्मच नमक, ताकि अंडा फूटे नहीं और जल्दी उबला जाए। अब इसको गैस पर रखा जाएगा, देख सकते हैं गैस पर रखा गया है। अब ये गैस पर बिना लाइटर वाला गैस है, इसको ऐसे ऑन कर देंगे और गैस मेरा चालू हो गया। अब इसको आधे घंटे के लिए जाने देंगे। इस तरह से पहले पानी देख सकते हैं बजा कर बहुत जोर से छिला गया मेरा अंडा। इसी तरह टोटल अंडा छिलाएगा, देख सकते हो। इसी तरह देख सकते हैं ये टोटल अंडा छिलाएगा, देख सकते हैं मेरा अंडा पूरी तरह से छिला गया है पूरा तरह से। इसका सब्जी बनेगा अंडे का, देख सकते हैं। अंडा फ्राई करने के लिए अंडे में हल्दी लगाया गया है, देख सकते हैं मसाला जो हल्दी है। अब इसको कढ़ाई में रखा जाएगा। देख सकते हैं मेरा कढ़ाई में कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है अंडा, अच्छे से फ्राई हो रहा है, देख सकते हैं। तेल में लाल किया जा रहा है,
फ्राई हो चुका है। प्याज और लाल हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें मसाला थोड़ा खा गए, देख सकते हैं मिर्ची है, ये हल्दी है, देख सकते हैं धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर ज़्यादा रखा जाता है मसाला बनने के लिए, बिस्कुट चलाया जाएगा। ये आधी लहसुन का पेस्ट है, खारा मसाला, खारा गरम मसाला, आदि लहसुन और खारा गरम मसाला का पेस्ट है, आदि लहसुन और खारा गरम मसाला का पेस्ट है। और इसमें हल्का पानी रखा जाएगा इसे भूनने के लिए, अच्छे तरीके से भूजा जाएगा। इसमें नमक देख सकते हैं, नमक भी है रखा जा रहा है। और ये मेरा टमाटर है, इस तरीके से मिलाया जाएगा। देख सकते हैं बार बार नाम ओ तू कहा था।
बन जाए। और अपन समय लग सकते हैं ये चिकन मसाला है, देख सकते हैं रखा गया ऊपर से टेस्ट के लिए। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे खोलने के लिए। ये 10 मिनट खोल लेगा। मेरा अंडे का सब्जी पूरी तरह से बन चुका है, देख सकते हैं। हम कंप्लीट हो गया है खाने के लिए इसे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।